Hi everyone, welcome back to the channel. First of all, we would like to thank you for your amazing response and so much of love on our last video. And so we are here back with one more video. So jaise ki title se aapko already dikh raha hai ki this is gonna be our foyer or entryway tour. I'll just give you a small background. Ye video will be there, this video will be there in two parts. In first part, we'll be just giving you how it looks like, the total space. ये बहुत ही छोटा सा space है जिसको हमने खुद से बनाया है. This is like पूरा ही DIY. तो second वाला जो इसका part रहेगा, उस second part में we'll just let you go through all the process कि हमने क्या कैसे बनाया है. तो इसमें ज्यादातर सारी ही चीजें DIY है. So उसकी एक दो चीजें already channel पे uploaded हैं. जो बाकी होगा वो बाद में कर देंगे. वी आर जस्ट ट्राइंग टू कीप इट अ शॉर्ट वीडियो बिकॉज स्पेस भी बहुत ज्यादा नहीं है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. हाय, वेलकम अगेन. ओके, सो एंटर करते ही दिस इज द ओनली स्पेस जो हमारे पास फॉयर का है. सो आप अभी बेसिकली जहां से देख रहे हैं वहां से आप जस्ट क्रॉस द फॉयर एंड टेकन अ टर्न और आप फिर फॉयर को देख रहे हैं. आई एम एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस. सो यहाँ पे है एक विंड चाइम जो कि ब्रास का है एंड सिंस इट इज मेटल तो ये यूजुअली वैसे विंड ब्लो होने से नहीं बिल्कुल भी म्यूजिक देता है. सो हमने इसको डोर पे लगा के रखा हुआ है. व्हेनेवर वी ओपन द डोर और वी क्लोज इट तो ये बहुत ही अच्छा लगता है. तो डोर के एकदम लेफ्ट हैंड साइड में जब आप एंटर करोगे उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा ये कैबिनेट वाला एरिया जहाँ पे टेक्निकली होना चाहिए था हमारा शू रैक. बट जैसे मैंने आपको लिविंग रूम टूर वाले वीडियो में बताया था यहाँ पे हमारा शू रैक फिट नहीं हो रहा था. तो वी हैव कन्वर्टेड एन ओल्ड फर्नीचर इनटू दिस ब्यूटिफुल फायर कैबिनेट. सो इस कैबिनेट के ऊपर हम लोगों ने रखा हुआ है ये एक ऑर्गेनाइजर जो मैंने बहुत पहले परचेज किया था. इट्स की बेसिक की ऑर्गेनाइजर. यहाँ पे हमारी कीज और मास्क ये सारी चीजें होती है. इट वॉज जस्ट गोइंग विद द थीम ग्रीन एंड ऑफ वाइट तो मैंने यहाँ पे लगा दिया. ऑर्गेनाइजर के सामने वाले वॉल पे हमने लगाया हुआ है हमारा एक ये बहुत सा दिखने वाला मिरर. इट वाज आल्सो अ DIY जिसका वीडियो ऑलरेडी अप है चैनल पे. यू कैन जस्ट चेक इट आउट, वी फ्लैग इट. अब अगर हम कैबिनेट के ऊपर आते हैं तो कैबिनेट के ऊपर वाले स्पेस में हमने रखा हुआ है ये आर्टिफिशियल प्लांट. आर्टिफिशियल प्लांट के साथ यहाँ पे ये वाले प्लेट के अंदर हमने रखे हुए हैं आजकल मोस्ट एसेंशियल सामान हमारे सैनिटाइजर्स. और ये प्लेट थोड़ा सा बड़ा था तो उसको मैंने डेकोरेट कर दिया है थोड़े शेल्स से जो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे. आपने अगर लिविंग रूम टूर देखा होगा तो यू वुड बी अवेयर ऑफ इट. पीछे यहाँ पे एक छोटा सा कंटेनर है. इस कंटेनर में है कैंडीज कुछ सो दैट हम कभी बाहर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं एंड वी जस्ट वॉन्ट टू हैव समथिंग और लाइक we are having a sweet craving so we can just munch on. So let's come to this cabinet. This cabinet I tell you was a big time transformation. As I said ki yahan pe hamara shoe rack aa nahi sakta tha and we wanted to have something here because ye bahut khali khali dikh raha tha ye space aur mujhe isko thoda sa colorful banana tha because mera living room is like sort of neutral in shades. So yahan pe thoda sa kuch color pop up chahiye tha so what we did was we converted our old dressing unit into this. एंड इवेंचुअली मुझे उस ड्रेसिंग टेबल से एक बेड साइड टेबल मिला, एक वॉल मिरर मिला एंड आई गॉट दिस ब्यूटिफुल कैबिनेट. सो ये कैबिनेट में वील जस्ट गिव द प्रोसेस लेटर इन दिस वीडियो. आप उसको जरूर देखिएगा, इट इज अमेजिंग. एंड इफ आई टेल यू अबाउट दिस दिस कैबिनेट, इस कैबिनेट को हमने ड्रेस किया है बस ये एक फ्लैग से जो फ्लैग हमने पिक किया था व्हेन वी वर ऑन अ ट्रिप टू नेपाल लास्ट ईयर समवेयर अराउंड दिवाली लास्ट ईयर पोस्ट प्री कोविड आई मीन. तो वहां से पिक किया था, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हैंग कर दिया बिकॉज इट इज अगेन एडिंग सम कलर टू दिस. तो नाउ आई जस्ट शो यू कि इस कैबिनेट के अंदर क्या है बिकॉज आई टोल्ड यू यहाँ पे शूज तो है नहीं तो इसके अंदर क्या है. अच्छा, ये नॉब भी मैंने मेरे ऑलमोस्ट सारे ही फर्नीचर पीसेस में ये सेरेमिक के नॉब्स लगाए हुए हैं उनके रेगुलर नॉब्स को चेंज करके. तो ये बहुत जल्दी से बहुत डिफरेंट सा लुक दे देता है फर्नीचर को. एंड दिस इज इट, दिस लुक्स लाइक. सो बेसिकली यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा आर्ट सप्लाई है तो इसके लिए इतना ज्यादा क्लटर्ड और स्टक्ड अप है. इसका कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इतने छोटे से सामान में मुझे बहुत सारा इतने छोटे से स्पेस में मुझे बहुत सारा सामान
कैरी करना होता है. सो या जस्ट आफ्टर दिस कैबिनेट वी हैव दिस लिटिल स्पेस, बहुत छोटा सा स्पेस है. इसको भी हमने थोड़ा सा स्टाइल कर दिया, कुछ खाली नहीं दिखना चाहिए बोलकर. सो यहाँ पे है एक ये लिटिल होम चार्म, ये भी एक DIY था. इसका भी डिटेल विल बी देयर लेटर इन दिस वीडियो. ये भी मैंने अपसाइकिल किया था एक ऑलरेडी पड़े हुए पीस के साथ. इसके ऊपर यहाँ पे है एक फ्रेम, ये फ्रेम मैंने पिक किया था IKEA से. और यहाँ पे मेरे पास एक ये इमेज ऑलरेडी पड़ा हुआ था, मैंने उसमें ये लगा दिया है. इट सेज लव इज द आंसर व्हाट वाज द क्वेश्चन. सो हम दोनों को भी ऐसा ही लगता है, एवरी क्वेश्चंस आंसर इज ओनली लव. सो ये यहाँ पर है. इसके बाद है हमारा किचन का डोर. सो दिस इज द बीम बिटवीन किचन का डोर एंड दिस कैबिनेट. सो ये थोड़ा सा खाली दिखता था, इसके लिए यहाँ पे इसको इस तरह से हमने थोड़ा डेकोरेट किया. अगर हम इसके आगे जाएंगे तो आगे जाने के बाद है हमारा ये फोटो फ्रेम, पेंटिंग. सो ये पेंटिंग भी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था. सो दिस पेंटिंग, दिस वाज अ आर्ट पीस, जो इट वाज अगेन अ DIY. एंड इसका जो इंस्पिरेशन था दैट वाज फ्रॉम आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप जो मैंने और रौनक ने साथ में किया था. It is giving so much of European vibe and we went to Paris on our first international trip. So iska ye jo royal blue color ke jo windows hain ye wahi se pick kiye hue hain. And it says and so together they built a life they loved. So this is it about this foyer space. Bahut chota sa space hai. So this is how we have styled this small foyer space. यहाँ पे खत्म करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो का उसको. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो, जहाँ पे हम करने वाले हैं DIY प्रोसेस का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन. सो इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं एक तो फॉयर कैबिनेट एंड दूसरा दिस क्यूट लिटिल होम चार्म. आगे किसी वीडियो में वी आर ट्राइंग टू पुल इन दिस आर्ट पीस एज वेल, बट अभी वी आर नॉट डूइंग इट बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेकंड पार्ट. तो फॉर द फर्स्ट DIY मैंने लिया है ये एक मेरे पास पहले से रखा हुआ एक स्मॉल बर्ड हाउस. उसके साथ मैं ले रही हूँ मोल्डेड. तो इफ़ यू हैव वर्कड ऑन मोल्डेड, इसमें आते हैं ये दो सेक्शंस में आता है यूजुअली. एक इसमें होता है क्ले और एक होता है क्ले का हार्डनर, जिसको बहुत अच्छे से मिक्स करके आपको डो सॉर्ट ऑफ बनाना होता है. ये यूजुअली बहुत स्टिकी होता है, इफ़ यू आर फाइंडिंग इट अ बिट स्टिकी. तो जैसे मैंने पाउडर स्प्रेड करके इसका डो बनाया था, आप भी वैसे ही कर सकते हैं. सो बस मैंने इसको अच्छे से डो बना लिया है. डो बना लेने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से रोल कर लिया है, एक पतला लंबा रोल बना लिया है. एंड अभी मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि आगे मुझे जो काम करना है उसके लिए मुझे इक्वल पार्ट्स का रिक्वायरमेंट होगा. इफ़ यू आर वेरी गुड विथ योर मेजरमेंट्स, आप ये स्किप करके डायरेक्टली बॉल्स बनाना भी स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे बॉल्स बना के उनको बस फ्लैटन करती जा रही हूँ, मुझे एक फ्लैट सर्कुलर शेप चाहिए. सो बेसिकली मैं यहाँ पे मेरे इस बर्ड हाउस को थोड़ा एनहांस करूँगी, इसको थोड़ा सा माउंटेनी लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर ब्रिक सॉर्ट ऑफ बना के लगा दिया है. अब इसके रिम पे भी हम एक और रोल बनाकर और इसके रिम को भी एनहांस करेंगे, सो दैट इट लुक्स समवट सिमिलर टू द रूफ ऑफ द हाउस. सो बस यहाँ पे भी ये मैंने स्टिक कर दिया है अच्छे से. उसके बाद यहाँ पे ये जो सर्कुलर शेप है एक हॉलो, उसके आसपास भी मैंने ये मोल्डेड का ही रिंग लगा दिया है. सो आफ्टर ड्राइंग इट इज़ लुकिंग समथिंग लाइक दिस. इसके बाद मैंने लिया है एक एक्रेलिक कलर, आई एम यूजिंग रॉयल ब्लू. आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं. ये फर्स्ट कोट के बाद थोड़ा सा ऐसा दिख रहा था बिकॉज आई न्यू मुझे इसके ऊपर एक और कोट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने फर्स्ट कोट थोड़ा सा डिल्यूटेड रखा था. आफ्टर टू कोट्स ये बहुत अच्छे से पेंट हो गया है और बहुत ही ब्राइट ब्लू दिख रहा है. ब्लू कलर ड्राई हो जाने के बाद वी आर यूजिंग वाइट. वाइट मैं इसके रूफ पे और इसके जो सर्कुलर रिम है उसके ऊपर करने वाली हूँ. तो मैं वाइट कलर अच्छे से पेंट कर दूंगी इसके ऊपर. यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ थोड़ा माइन्यूट हो जाएगा. एंड दिस इज रेडी. तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है किसी भी नॉर्मल ड्रेसिंग यूनिट का ऊपर वाला पार्ट. इसके ऊपर एक मिरर लगा हुआ था, वो हमने निकाल दिया है. इसके जो नीचे एक पार्ट था वो भी हमने रिमूव कर दिया है. अब इसके अंदर खोलने के बाद जो सबसे नीचे वाला शेल्फ था वो शेल्फ निकलवा के हमने इसके बेस में लगा दिया है, सो दैट इट वर्क्स लाइक अ कैबिनेट.
ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पे इस पर पुट्टी लगा रही हूँ। पुट्टी मैं बस इसके ऊपर टॉप वाले पार्ट में ही लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने लिया है एक प्राइमर, प्राइमर को हम एक कोट करेंगे इसके दोनों साइड्स में, मैं फ्रंट कवर नहीं करूंगी। प्राइमर सूख जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ लेग्स, और ये फर्नीचर लेग नॉर्मली हम ड्रिल कर देंगे। ये हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक पेंटेबल वॉलपेपर, जो मैंने इसके डाइमेंशंस में ही मेजर करके कट कर लिया है। इसको मैं पेस्ट कर रही हूँ। यूजुअली जो वॉलपेपर्स को पेस्ट करने के लिए फेविकॉल आता है हीटेक्स एडिशन, उससे मैं अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। इट इज़ क्वाइट ड्यूरेबल, आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक भी यूज़ कर सकते हैं। ये पेस्ट हो जाने के बाद मैं इसके एजेस के पास इसको अच्छे से फोल्ड करके एजेस भी सिक्योर कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ सेम एडहेसिव। वंस इट इज अ लिटिल बिट ड्राइड अप, इसको हम इसके एक्स्ट्रास रिमूव कर देंगे। नाउ इट इज टाइम टू पेंट दिस। पेंट के लिए मैंने लिया है एशियन पेंट्स का रॉयल एडिशन का एक शेड। यू कैन यूज अ शेड ऑफ योर चॉइस, आई एम यूजिंग अ शेड ऑफ पेस्टल ग्रीन। तो ये पेंट ड्राई हो जाने के बाद पूरे सरफेसेस पे अब हम इसको वार्निश से सिक्योर कर देंगे। नाउ इट्स टाइम टू सेट अप दिस स्पेस। तो पहले जब यहाँ पे कैबिनेट नहीं था तो ये फायर एरिया कुछ इतना खाली दिखता था। तो अब हमने यहाँ पे कैबिनेट रख दिया है। अब ये कैबिनेट के ऊपर इफ यू सी तो ड्रेसिंग टेबल्स में यूजुअली लाइट का प्रोविजन दिया होता है, तो एक ग्रूव होता है। उस ग्रूव को फिल करने के लिए मैंने यूज किया है, मेरे पास एक एग्जिस्टिंग जो पड़ा हुआ था पॉटपुरी, इट वाज समवट गोइंग विद दिस थीम, तो मैंने वो रख दिया है। और उसके ऊपर से मैंने ये ग्लास कट करवाया था एक नॉर्मल ग्लास हाउस से, वो ग्लास उसके ऊपर रख दिया, तो इट इज मेकिंग द टॉप ऑफ माई टेबल। बाकी सेटअप करने के लिए मैंने यूज किया है एक ये अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ वॉल हुक, इट इज क्वाइट स्टर्डी एंड हैवी ड्यूटी, ये बहुत ज्यादा वेट ले लेता है। So now enjoy the setup. This is it for this video. We'll meet you in our next video. Till then, if you like this video, please share and subscribe our channel. Till then, take care. Bye.